देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शुक्रवार 9 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का जन्मदिवस समर्थकों, साथियों, कार्यकर्ताओं एवं इष्ट मित्रों द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान अनेक स्थानों पर सेवा कार्य किए गए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रीय मंत्री राकेश बाबू बोरासी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सेना दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिवस मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर राजेश सोनकर के मोराई मोहल्ला स्थित निवास के बाहर एम्बा हॉस्पिटल के सहयोग से चलित ब्लड बैंक वाहन के माध्यम से रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इसके पूर्व राकेश बाबू बोरासी के साथ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता 2 नंबर स्कूल छावनी पर एकत्रित होकर ढोल ताशे के साथ अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस पर भी सेवा कार्य कर जन्मदिन के उत्साह को दोगुना कर देते हैं। डॉक्टर सोनकर ने जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय मंत्री राकेश बाबू बोरासी ने कहा कि राजेश भैया शुरू से ही पारिवारिक सदस्य के रूप में स्नेह रखते हैं, यही कारण है कि हम हर वर्ष उनके जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। आज भी 70 से अधिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय मंत्री राकेश बाबू बोरासी, राजेश बोरासी, अर्जुन यादव, पप्पू कौशल, मयंक पांचाल, मुकेश सोनी, सोनू बाली, ऋतिक बाली, मयंक बोरासी, हरीश सोनी, आकाश चौहान, संजू भाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राकेश बाबू बोरासी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपको बधाई देना है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अभिभूत है सभी के प्रेम से? आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के भाई राकेश बोरासी जी और उनकी पूरी मित्रमंडली और इंदौर भारतीय जनता पार्टी जिले के हमारे समस्त कार्यकर्ता मित्रों के साथ में आज जन्मदिन मनाने का अवसर मिला और आज इस शुभ अवसर पर आज सभी भाइयों की शुभकामनाएं भी, उनका सहयोग भी मिला है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज हम सब एक जगह पर स्थान पर इकट्ठा होकर जन्मदिन की खुशियों को बांटा है। और मैं उनसे, क्योंकि सभी लगभग यहाँ इष्ट मित्र भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आज जन्मदिन के बाद हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों को लेकर जन जन तक पहुँचने का जो लक्ष्य, जो संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, उस संकल्प के साथ हम सब अपने काम को लगे रहें। इसे मेरा सभी से आग्रह भी है और जितने भी इष्ट मित्र आज यहाँ हैं उन सबको मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। भाई साहब है, भैया का आशीर्वाद साहब मेरे को बना रहता है, हमारे संगठन के उसमें भैया के उसमें ब्लड डोनेट किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर आए हैं, राजेश भैया का जन्मदिन है, किस तरह का मन में खुशी आप लोगों को? बहुत उत्साह हमारे को असल बनाते बर्थडे भैया का, और हमेशा सब भाई लोगों से आते। आप लोगों ने सेवा कार्य भी किए शुरू से, सुबह से राजेश भैया के जन्मदिन पे क्या क्या सेवा कार्य आपके माध्यम से? ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा,